महाराष्ट्र के जालना से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां दिन दहाड़े एक बैंक में घुसे कुछ बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए, लेकिन उनकी यह हरकत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बैंक के अंदर घुसे दो बदमाश हथियार लहराते दिखे, जबकि तीसरा बदमाश अपने कंधे पर एक बैग लिए कैश काउंटर की तरफ बढ़ता नजर आया। इस बीच उन दोनों बदमाशों ने हथियारों का डर दिखाकर बैंक स्टाफ और वहां मौजूद ग्राहकों को एक कोने में खड़ा करवा दिया। डरे सहमे वो लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कर बदमाशों के इशारे पर एक कोने में चले गए। इस दौरान एक बदमाश जो मुंह पर सफेद रुमाल बांधे हुए था, वो पिस्तौल के दम पर सभी को धमकाता दिखा। तभी एक बैंक कर्मी आगे बढ़ा, लेकिन उसे भी धक्का देते हुए बंधक बना लिया गया। आरोप है कि ये तीनों बदमाश 25 लाख रुपए कैश और 75 लाख के जेवरात लेकर बैंक से भाग गए। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में एक हफ्ते में बैंक लूटने की यह दूसरी बड़ी घटना है, जहां पिछले हफ्ते लुटेरों ने पुणे के शिरूर कस्बे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कैश और गहने लूटे थे और अहमदनगर हाईवे की तरफ भाग गए थे। जबकि पुणे अहमदनगर हाईवे ही जालना की तरफ जाता है, जहां एक दिन पहले पिस्तौल के दम पर तीन बदमाशों ने बुल्ढाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से नकदी और लॉकर में रखे गए गहने लूट लिए, जिनकी तलाश में पुलिस ने नाकेबंदी तो की, लेकिन जालना की सीमा औरंगाबाद, बीड़, परभणी, बुल्ढाणा और जलगांव से जुड़ी है और लुटेरे किधर भागे इसका कोई सुराग नहीं मिला।